किसने बनाया हो वो भगवान राम का और महाराणा प्रताप का इस्तेमाल करते हैं। शर्म आनी चाहिए डूमर चुल्लू हर पेशाब में। तक पार्टियां वाह, अरविंद केजरीवाल गांधी के विचारक हो या क्या हो, तुम्हें तो ड्राई स्टेट करनी चाहिए थी दिल्ली, तुमने तो दारू पीने की छूट दे दी। 144 महाराणा प्रताप जिन्होंने मानसिंह के साथ खाना नहीं खाया था, वो मानसिंह जिसने अपनी बहन को एक मुगल के साथ ब्याया था। अब मनीष सिसोदिया फैसला करें कि वो कौन से खानदान से हैं, मानसिंह के खानदान से हैं या महाराणा प्रताप के खानदान से। आप बहुत शानदार डिबेट डाल देती हैं, आज की भी डिबेट शानदार है। वो साफ साफ डिबेट के सहारे ये कहना चाह रही हैं यही दोनों हैं मिले हुए, इन्हीं की है सटापटी। तो अंजना जो सच दिखाना चाहिए था हिंदुस्तान का, लेकिन वो सच तो मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा सिसोदिया वंशजों की खानदान की कुंडली, जिसके ऊपर राजस्थान के चुनाव की जो है डोलियां खेली जा रही हैं। कांग्रेस में कुछ कर आप देखिएगा जरूर जो पीछे चल रही होगी, यहां आज तक की डिबेट पर जो है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नूरा कुश्ती देखिएगा। इस नूरा कुश्ती को देख करके अनुमान लगाइएगा, आने वाले हेडिंगों से अनुमान लगाइएगा कि ये किस तरह के नीचे गिरे हुए वो पॉलिटिशियंस हैं। दोस्तों जिंदगी में बड़े बड़े मोड़ आते हैं, और बड़े बड़े मोड़ आने के बाद सियासत में जब मोड़ देखने को मिलते हैं तब लगता है कि देश को ठगा जा रहा है। देश में जिन मुद्दों पर बहस चलनी चाहिए उन मुद्दों पर बहस नहीं चलाई जा रही। गुजरात शराब मतलब ड्रग्स के नशे में डूब रहा है जहां ड्राई स्टेट है। दिल्ली जो है शराब के नशे में डूब रही है जहां पर आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, ना उसका गांधी है ना कोई है, कोई विचारधारा नहीं है इस पार्टी की। बस हम करप्शन से लड़ने आए हैं जी, और इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी खूबसूरती के साथ ठोकती है, इनकी मिली जुली जंग शुरू हो जाती है। आज तक की डिबेट यहां पर आप देखिएगा जरूर जो पीछे चल रही होगी, यहां आज तक की डिबेट पर जो है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नूरा कुश्ती देखिएगा। इस नूरा कुश्ती को देख करके अनुमान लगाइएगा, आने वाले हेडिंगों से अनुमान लगाइएगा कि ये किस तरह के नीचे गिरे हुए वो पॉलिटिशियंस हैं। जिस तरह की नीचता हमारी पॉलिटिक्स में आई हिंदुस्तान में अन्ना हजारे आंदोलन आने के बाद, किस तरह से हिंदुस्तान के लोगों को मीडिया से मिलकर के जो है धोखा दिया गया। अंजना ओम कश्यप कभी कभी बहुत शानदार डिबेट डाल देती हैं, आज की भी डिबेट शानदार है। वो साफ साफ डिबेट के सहारे ये कहना चाह रही हैं यही दोनों हैं मिले हुए, इन्हीं की है सटापटी। तो अंजना ओम कश्यप की इस डिबेट में कुछ अंश यहां डालूंगा जरूर जो बोले हैं अंजना ओम कश्यप में, बहुत ही शानदार वर्ड्स बोले हैं। लेकिन इसी डिबेट के चलते चलते आगे बहुत जल्दी इस वीडियो को खत्म करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि चलते चलते यहां जिक्र आ जाता है एक ऐसी पॉलिटिक्स का जिसमें महाराणा प्रताप साहब की एंट्री होती है। वो महाराणा प्रताप जो अकबर से लड़ाई लड़ते रहे अपने चित्तौड़ के लिए, वो महाराणा प्रताप जो लड़ते रहे चित्तौड़गढ़ के लिए, और वो महाराणा प्रताप जिन्होंने मानसिंह के साथ खाना नहीं खाया था, वो मानसिंह जिसने अपनी बहन को एक मुगल के साथ ब्याया था। अब मनीष सिसोदिया फैसला करें कि वो कौन से खानदान से हैं, मानसिंह के खानदान से हैं या महाराणा प्रताप के खानदान से हैं। वैसे तो हमने सुना है कि महाराणा प्रताप के जो पीढ़ी वाले जो खानदान वाले लोग थे वो शहर शहर गली गली बन करके बंजारे घूमते हैं, उनके बारे में कोई बातें नहीं करता है। वीडियो पर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं महाराणा प्रताप के वंशजों की क्या हालत है आज। लेकिन यहां एसी में बैठने वाले सिसोदिया, गाड़ी ना लेने वाले सिसोदिया, सरकारी बंगले ना लेने वाले सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के चेहरे से नकाब उतर जाता है। इन्होंने गांधी के पीछे छुप करके पॉलिटिक्स की, इन्होंने अन्ना हजारे की ईमानदारी के पीछे छुप करके पॉलिटिक्स की, लेकिन क्या कांग्रेस की न्यूज़ों को या कांग्रेस की उस पीसी को किसी मीडिया ने दिखाया? क्या किसी मीडिया की इतनी हिम्मत थी जो मोदी और अरविंद केजरीवाल के खौफ से वो दिखा सकता जो सच दिखाना चाहिए था हिंदुस्तान का, लेकिन वो सच तो मैं दिखाऊंगा सिसोदिया वंशजों की खानदान की कुंडली, जिसके ऊपर राजस्थान के चुनाव की जो है डोलियां खेली जा रही हैं। कांग्रेस में कुछ ऐसे नेताओं का अभाव है, कुछ ऐसे लोगों का अभाव है जो मतलब तिकड़म भिड़ा करके लोगों के साथ समझौते करके शराब माफियाओं के साथ सबके साथ करके नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर कांग्रेस जो बयान देती है, सुप्रिया श्रीनेत जो बयान देती हैं जिसमें बताती हैं कि कांग्रेस के लोगों ने किस तरह से अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में रहकर के विरोध किया था, जिस विरोध को इस मीडिया ने नहीं दिखाया, और आज उस विरोध को भुनाने में लगी है आम आदमी पार्टी
और बीजेपी पार्टी दोनों की सहमति से जो है बहस चल रही है, लेकिन गुनाहगार कौन है? कौन है वो नशे के कारोबारी? कौन है वो लोग जो पंजाब में नशा बेचते थे और अब दिल्ली में नशा बेचने लगे? 25 साल से 21 साल की उम्र कर दी गई। भैया कोई मतदाता अधिकार दे रहे थे क्या युवाओं को दारू पीने का? 3 बजे तक पार्टियां, वाह अरविंद केजरीवाल गांधी के विचारक हो या क्या हो? तुम्हें तो ड्राई स्टेट करनी चाहिए थी दिल्ली, तुमने तो दारू पीने की छूट दे दी। 144 करोड़ रुपए का मतलब सारा कांड कर डाला। और कांग्रेस ने आपके विरुद्ध जो था संघर्ष किया और बीजेपी और आपकी पोल आज खुल गई। बीजेपी और आपकी पोल खुलते हुआ एक INC टीवी की रिपोर्ट यहां देख लीजिए, यहां सब कुछ साफ हो जाता है कि किस तरह से इन लोगों ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है और अब महाराणा प्रताप बनने की तैयारी है। मोदी जी विष्णु बन जाते हैं, ये महाराणा प्रताप बनेंगे। 2 पैसे की औकात नहीं जिनकी, जिनको जनता डरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। ये प्राथमिकता है सरकार की। इस सरकार की प्राथमिकता यह है कि 25 साल से उस वक्त जब कोरोना से यह शहर जूझ रहा था और त्राही माम मचा हुआ था, विफलता केजरीवाल जी की भी है उतनी ही विफलता मोदी जी की भी है, उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए, ये काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। तो इस पार्टी के जनमत पर तो संदेह था ही, इसकी राजनीति पर संदेह है, इनके सिद्धांतों पर संदेह है। और हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि जिस एजेंसी का दुरुपयोग का यह हवाला दे रहे हैं, यह सच है। एजेंसियों का दुरुपयोग तो भाजपा की मोदी सरकार ने इस तरह किया है कि जब वो सही कार्रवाई भी करते हैं तो वो भी उस पर भी सवाल उठने लगते हैं। लेकिन इस पूरे मामले की जांच, इस पूरे मामले के खिलाफ आवाज उठाने का काम, इसमें जरा सी भी भ्रांति ना हो, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, दिल्ली के उनके 7 सांसदों ने नहीं किया, उनके सदन के नेता ने नहीं किया, 8 MLA ने नहीं किया। इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालने का काम, इस पर कार्रवाई करने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली शहर में करी। जब इस लिकर पॉलिसी के खिलाफ, जब शराब के इस गोरख धंधे के खिलाफ हम सड़कों पर थे, तो आज जो मैदान में शूरवीर उतरे हैं वो कहां थे? कांग्रेस ठेके बंद करने के लिए आंदोलन कर रही थी, भाजपा के सांसद मनोज तिवारी जी गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, रिंकिया पप्पा या भगवान जाने कौन सा, गौतम गंभीर कमेंट्री कर रहे थे जब इस शहर के लोग कोविड से जूझ रहे थे, जब मास्टर प्लान की धज्जियां हो रही थी तो अनिल चौधरी जी जैसे लोग और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हरदीप पुरी से मिलकर उनको इसको खत्म करने को कह रहे थे और हमारे काउंसलर धरना दे रहे थे। भाजपा के सांसद और विधायक, और एक नहीं 7 सांसद हैं यहां से, 8 विधायक हैं, उनके सांसद विधायक और काउंसलर DDO और MCD के जरिए लाइसेंस बांटने का काम कर रहे थे। हम जांच एजेंसी से मिल रहे थे, भाजपा क्यों छुपकर बैठी रही, क्यों नहीं LG से मिलने गई, क्यों नहीं शिकायत करी? और अंत में जब हम सड़कों पर कांग्रेस के पोल खोल यात्रा को निकाल रहे थे, सड़कों पर उसके बाद भी थे, ठेके खोलने का विरोध कर रहे थे, तब विधानसभा में विधायक चुप बैठे रहे। और अगर आपको विधानसभा में बोलने का नहीं मौका मिला भारतीय जनता पार्टी को, तो उसके बाद आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? दिक्कत की बात यह है कि इस भ्रष्टाचार में आप तो पूरी तरह से धंसी हुई है, लेकिन उतने ही हाथ भारतीय जनता पार्टी के भी सने हैं और आज मजबूरन आकर उसके खिलाफ बोलना पड़ रहा है। अनिल जी ने आपको तमामों साक्ष्य दिए हैं जिससे पता चलता है कि जिन कंपनियों को आवंटन किया जा रहा था वो बैंड थी और भाजपा की डोनर्स थी। मुझे लगता है इस देश को कुछ तथ्य जानने जरूरी है। एक बात पूरी तरह से साफ है कि इस मुद्दे को लगातार हम उठा रहे थे, और यह भी साफ है कि भाजपा की तरह हम आर के मूर्खतापूर्ण पेपर नहीं दिखाएंगे किसी के नाम की स्पेलिंग बदलने का, लेकिन हम आपको साक्ष्य और तथ्य दिखा रहे हैं कि कैसे भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के हाथ
इस लिकर स्कैम में सने हुए हैं। अब जवाबदेही ना सिर्फ आपकी भाजपा की भी तय होगी। भाजपा जिस तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाजपा के सूरवीरों ने ये लड़ाई जीती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इस शराब नीति के खिलाफ यदि किसी ने जन आंदोलन किया, किसी ने आवाज उठाई और किसी ने इस भ्रष्टाचार को उजागर किया, तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, और वो आम जनमानस और वो महिला शक्ति थी जो इसका लगातार विरोध कर रही थी, क्योंकि शहर को शराब माफियाओं को बेचा गया था। इस शहर की जो पहचान शीला जी ने खूबसूरत शहर की बनाई थी, उस शहर की जो पहचान है वो देश के नशे की राजधानी के रूप में बनने लगी, और ये इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है। ये हरदीप पुरी साहब के साथ वो एक डेलीगेशन है हमारा जो जाकर के मिला था, और ये डेलीगेशन में मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री सुभाष चोपड़ा जी भी इसमें उपस्थित रहे, और यहाँ बड़े विस्तार से हमने इस शराब नीति को लेकर के जो खामियां हैं, हालांकि खामियां बहुत सारी हैं, अलग अलग विषय पर हमने अलग अलग विभाग में जाकर के इसको उजागर किया, और ये ट्वीट ये प्रमाण है इस बात का कि हमने मिलने के तदुपरांत इस बात को पब्लिक डोमेन में भी डाला कि हरदीप पुरी साहब से हमने आग्रह किया है कि इस पॉलिसी के तहत जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया है वहां शराब की जो दुकान खोलने का जो खेल खेला जा रहा है भाजपा के पार्षद या भाजपा शासित नगर निगम के द्वारा, और कानून की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसको ताक पे रख करके जिस तरह से लाइसेंस खोलने का सर्टिफिकेट बांटे गए, तो हमने ये आग्रह किया कि आप उसको रोकने का काम करें। बजाय रोकने के दिल्ली शहर के अंदर शराब की दुकानें खुलती रही, भाजपा के लोग मौन बने रहे, लेकिन ये लड़ाई हम सड़क से लेकर के विभागों तक लड़ते रहे। ये उसका और दूसरा प्रमाण मैं दे रहा हूं, 3/6/2022 को हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना साहब के यहां जाते हैं और विस्तार से हम ये वो उन बिंदुओं पर उनका ध्यान आकर्षित करते हैं, किस तरह से शराब माफियाओं ने मिलकर शराब नीति पे काम किया, फायदा लिया, दिल्ली को लूटने का काम किया, क्या क्या बिंदु थे, कार्टल था जो एक समूह बना करके दिल्ली की शराब की दुकानें ली गई, ये वो कॉपी है जिसके बिहार पर आज ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है, ये दूसरा प्रमाण। तीसरा प्रमाण, इस शहर को बचाने के लिए मुख्यमंत्री को समझाने के लिए मुख्यमंत्री जी के पूर्व गुरु रहे अन्ना हजारे जी तक हम पहुंचे। अन्ना हजारे जी को भी मैं 13 फरवरी 2022 को चिट्ठी लिखता हूं, अन्ना हजारे जी से यह आग्रह करता हूं कि अपने इस प्रिय शिष्य को समझाएं, जिस शहर की पहचान शीला जी ने और कांग्रेस ने बनाई, विश्व के अंदर जिस शहर को नाम पहुंचाया विकास का, डेवलपमेंट का, फ्लाईओवर सिटी का, सुंदर शहर का, उस शहर को उजाड़ने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, लेकिन ये तानाशाही मुख्यमंत्री नहीं माना। भाजपा को लगातार एक कंपनी चंदा देती है, इस कंपनी का नाम मैं पढ़ रहा हूं, ये कंपनी है सोम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, सोम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, ये सोम ग्रुप की कंपनी है, इसको चंदा दिया जाता है एक बार 1 करोड़ रुपए का 25/8 को, फिर 30/10/2020 को फिर 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, फिर 21/12/2020 को फिर 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, और इस तरह से इस कंपनी के द्वारा भाजपा को एक मोटी रकम चंदे के रूप में दी जाती है, और ये जो सोम ग्रुप है ये मध्य प्रदेश का ब्लैक लिस्टेड ग्रुप है। इस ग्रुप की जो कंपनी है सोम ग्रुप मध्य प्रदेश की, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो मैंने आपको कहा, इसी सोम ग्रुप की सेल कंपनी रायसन लिमिटेड कंपनी, रायसन एक मध्य प्रदेश का जिला है जिसके नाम पर यह कंपनी रजिस्टर्ड है, और इन दोनों कंपनियों का एड्रेस एक ही है, तो इसको जॉन 13 में काम दिया गया, जॉन 13 के अंदर कम से कम 20 से 25 दुकानें दी गई, और भाजपा अपने इलेक्शन कमीशन में डोनेशन की जानकारी में खुद खुलासा कर रहे हैं इस बात की। लेकिन अफसोस ये होता है कि सीबीआई की एफआईआर की कॉपी में इसका नाम नहीं है, आखिर क्यों नहीं है? ये तो एक ऐसा उदाहरण है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है कि भाजपा को क्या जो डोनेशन थी, क्या चुप रहने की डोनेशन थी, क्या शराब माफियाओं के साथ मिलकर के इस शहर को बेचने की साजिश में भाजपा के नेता भी सम्मिलित थे? ने बनाया हो वो भगवान राम का और महाराणा प्रताप का इस्तेमाल करते हैं, शर्म आनी चाहिए। डूम मरो चुल्लू हर पेशाब में। इस वीडियो और इस आरोपों के बाद अगर कांग्रेस को जवाब देने का मौका है तो दीजिएगा जरूर सुप्रिया श्रीनेत को और दिल्ली के इस प्रवक्ता को कांग्रेस की।
अगर कोई मीडिया नहीं दिखाएगा तो क्या हम भी नहीं दिखाएंगे? हम दिखाएंगे, सच दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।